अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगी, जो बहुत इजी होती है। इसे स्टिच करना भी बहुत आसान है। टेलर इसको स्टिच करने के काफ़ी पैसे लेते हैं, और अगर इसको घर पर ही सिला जाए तो क्या बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कपड़ा ले लिया है, ये हमारी लेंथ है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। कपड़ा हमेशा उल्टा ही फोल्ड करें। ये 4 फोल्ड हो गया है। तो चलिए, हमें कटिंग के लिए अब मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ मेज़रमेंट लिख कर रख लिया है। बिना मेज़रमेंट के, बिना तो हम कोई कटिंग कर नहीं सकते। तो देखते हैं हमारी मेज़रमेंट कितना है। लेंथ हमारी है 14 इंच, अक्रॉस बैक 14 इंच, चेस्ट हमारी 32, वेस्ट है 26, नेचुरल वेस्ट होगी 13, शोल्डर टू डार्ट 10 पर, डार्ट टू डार्ट 7 इंच, स्लीव लेंथ 10 इंच और स्लीव बॉटम 10 इंच। डार्ट का मतलब होता है प्लेटें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम फोल्ड साइड से सबसे पहले लेंथ लेंगे, और मैं आपको 1/4 स्केल से समझाऊंगी। स्टेप ही है, बस थोड़ा छोटा है। मैं आपको ये बार बार बताती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हम बंद वाली साइड से 14 इंच पर निशान लगा देंगे लेंथ का। अब हमारा अक्रॉस बैक 14 इंच है, तो हम इसका हाफ लेंगे, यानी कि 7 इंच। तो अब हम यहाँ 7 इंच पर निशान लगा देंगे अपने शोल्डर के लिए। अब हम ओपन साइड की तरफ निशान लगाना स्टार्ट करेंगे, और 7 इंच ही हमें इधर से लेना है आर्म होल के लिए। लाइन खींच देंगे और इधर भी 7 इंच का निशान लगा देंगे, और हम एक स्क्वायर ऐसे बॉक्स बना लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट। चेस्ट का हमें 1/4 भाग लेना है। तो 1/4 भाग कितना हो गया, 32 का आधा हो गया 14 इंच, 14 का हाफ हो गया 8 इंच, और हम इसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। तो 8 में 1 इंच प्लस कर देंगे। ये देखिए, चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच, यानी कि हो गया हमारा 9 इंच। अब ये 14 इंच था, तो हम इधर भी 14 इंच का निशान लगाकर इसको सीधा ऐसे जॉइंट कर देंगे। अब आर्म होल के पास 1/2 इंच का निशान लगाकर अंदर की तरफ हम इसको ऊपर से हम इसको जॉइंट करना है। फ्रंट पर हमें थोड़ी गहरी कटिंग करनी होती है, जिससे कि हमारी सूट हो या ब्लाउज हो उसकी फिटिंग अच्छी आए। और शोल्डर गिराने के लिए भी ऊपर हमें 1/2 इंच का निशान लगाकर इसको इस तरीके से जॉइंट करना है। और अब इसको मुड्ढे की कटिंग के लिए ऐसा राउंड शेप में आप गोलाई कर दीजिए। नाइन इंच ऊपर है और 9 इंच ही हमें नीचे रखना है। और इसको आपस में जॉइन कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ब्लाउज़ की कटिंग बहुत इजीली वे से कर सकते हैं। अब फोल्ड के लिए आप 1 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से जॉइन कर दीजिए। ये हमें नीचे से फोल्ड करना होता है, उसके लिए होता है। अब हमारी प्लेट्स की बारी आई, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। शोल्डर से लेके नीचे तक ये रहा हमारा नाप, शोल्डर टू डार्ट 10 इंच पर है। तो हम यहाँ पर 10 इंच का लेकर निशान लगा देंगे। अब हम इसको यहाँ पर डॉट डॉट करके निशान डाल देंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें प्लेट कहाँ से डालनी है। अब साइड की प्लेटें हमें चेस्ट के साथ डालनी हैं। चेस्ट हमारी 32 है, तो हमें चेस्ट का 1/8 भाग और प्लस 1/2 इंच लेना है।
आप 32 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा हमारा 4 इंच, और 4 में हमें आधा इंच प्लस करना है तो 4.5 हो जाएगा हमारा। तो 4.5 पे आप निशान लगा दीजिए, देखिए, और फोल्ड साइड से हमें 4 पर निशान लगाना है। और आप इस तरीके से फिर लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर हमारी प्लेट्स डलेंगी, 1/4 इधर से जाएगा और 1/4 उधर से जाएगा, मीनिंग आधा इंच हमारा प्लेट्स में चला जाएगा। अब हमें यहाँ 1.5 इंच का हिसाब रखना है ऊपर, इधर से हम 1.5 इंच लेंगे, इधर भी 1.5 इंच लेंगे। अब ये जो आर्म होल का पॉइंट है ना बीच का, वहाँ पर निशान लगेगा 1.5 इंच पर, बस बीच में 1.5 इंच का गैप रखना है। आप इसको इससे मिला दीजिए, ये देखिए ये 1.5 इंच है, इधर भी 1.5 इंच है, और यहाँ पर 1 इंच नीचे करके इधर निशान लगा दीजिए, और यहाँ आर्म होल की तरफ से इधर को निशान लगा दीजिए। 4 प्लेट्स डलेंगी हमारी, अगर आप इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। देखिए 1.5 इधर रखना है, 1.5 इधर रखना है, और 1.5 हमें बिल्कुल सीधा रखना है। और अपने नेक के लिए आप 6 इंच पर निशान लगा लीजिए, 6 इंच का नेक बहुत सही रहता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। और साइड से आप 3 इंच पर निशान लगा लीजिए, ये भी बिल्कुल सही नाप है एक नॉर्मल साइज़ के लिए, 3 और 6 का मेज़रमेंट बहुत सही रहता है। और पीछे के गले के लिए आप 3 पर निशान लगा लीजिए। अब इसको राउंड कर दीजिए, या फिर नेक तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। ये देखिए हमारे ब्लाउज़ की कटिंग का नाप बिल्कुल ठीक है, अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। मगर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, हमें मार्जिन ज़रूर रखना है, हम आर्म होल पर नहीं लेते मार्जिन, हमें साइड में मार्जिन ज़रूर रखना है। आप कितना भी रख सकते हैं, 1.5 इंच का, 2 इंच का, मैंने ये आपको सिर्फ मेज़रमेंट के हिसाब से कटिंग कर दिखाई है। अब आप ऊपर से भी कटिंग कर दीजिए, अब आप नेक की कटिंग कर दीजिए। अगर आपको साथ में कटिंग करनी है तो पहले पीछे के गले की ही कटिंग करें, बाद में आप फ्रंट के गले की कटिंग करें। देखिए नेक तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बनवा सकती हैं, और आप इसको अब बीच में से कटिंग कर दीजिए। ये ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, चलिए अब स्लीव्स की तैयारी करते हैं। ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है, ये हमारी लेंथ है, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर ऐसे 4 फोल्ड करना है। स्लीव लेंथ है हमारी 10 इंच, तो आप 10 इंच पर लेंथ में निशान लगा लीजिए। स्लीव्स काटनी बहुत इजी होती हैं,
साइड के लिए हमें चेस्ट के हिसाब से 32 है चेस्ट, तो उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, फिर हमारा 8 इंच आ जाएगा। तो आप 8 इंच पर निशान लगा दीजिए, इधर भी और इधर भी। ये एक स्क्वायर पीस बना कर लीजिए। अब चेस्ट का ही लेना है हमें, तो 32 इंच है, उसके हिसाब से हमें चेस्ट का 12th भाग लेना है, तो 2.5 इंच हो गया, उसमें 1 इंच हमें प्लस करना है। ये देखिए, चेस्ट का 12th भाग प्लस 1 इंच हो गया हमारा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया, और इसको इस तरीके से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है और फ्रंट वाला हमें थोड़ा सा और गहरा करना है, जिससे कि हमारी फिटिंग अच्छी आए। हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। अब स्लीव बॉटम हमारी है 10 इंच, हम यहाँ पर 10 इंच का हाफ ले लेंगे, यानी कि 5 इंच। अब हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये हमारे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग तैयार है, इसकी कटिंग कर दीजिए। मार्जिन ज़रूर रखना है। सेंटर के लिए आप हल्का सा कट लगा दीजिए। इससे स्लीव्स लगाने में आसानी रहती है। और अब आप फ्रंट के लिए यहाँ से 1/2 इंच का और गहरा कट कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारी ब्लाउज़ की कटिंग तैयार है। ये आगे का फ्रंट है दोनों स्लीव्स के। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।